और महाराष्ट्र के नासिक से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा प्रहार किया है। पीएम मोदी ने कहा कि आज तीसरी बार ओबीसी समाज का व्यक्ति तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बना है और कांग्रेस इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही है। कांग्रेस की नींद उड़ गई है और इसीलिए वो अपना गुस्सा ओबीसी पर निकाल रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कांग्रेस पर प्रहार कि कांग्रेस ओबीसी से नफरत करती है। आज ओबीसी समाज का एक व्यक्ति लगातार 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद लेकर तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बना है। कांग्रेस को हजम नहीं हो रहा है। ओबीसी, वो भी इतनी छोटी जाति का, वो कैसे प्रधानमंत्री बन गया और 60 साल के बाद तीसरी बार बनने वाला बन गया। उनको नींद नहीं आ रही है और इसलिए गुस्सा ओबीसी समाज में निकाल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, जो कांग्रेस पर निशाना ओबीसी को लेकर साध रहे थे। इस पर बात करते हैं, हमारे साथ वैभव परब हमारे संवाददाता सीधा महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, ये ओबीसी कार्ड के जरिए कांग्रेस पर प्रहार प्रधानमंत्री का, चुनावों का समय है, क्या असर इसका हो सकता है? देखिए, यहाँ पे जो घटना हुई है वो पूर्वी कश्मीर में हुई है, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो महाराष्ट्र में होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है और भाजपा की सीधी लड़ाई कांग्रेस से होने वाली है। लोकसभा चुनाव के नतीजे देखे तो लोकसभा चुनाव में भाजपा को यहाँ पे पूरी तरह से हार मिली है और कांग्रेस यहाँ पे टॉप नंबर पर रही है। अब विधानसभा में भी यही हालत हो सकती है भाजपा पे, पर इसलिए ये भाजपा की तरफ से ओबीसी का कार्ड खेला जा सकता जा रहा है। अब दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र में फिलहाल ओबीसी हो, मराठा हो, धनगर हो, मुस्लिम हो, ये सभी आरक्षण के मुद्दे पे मामला चल रहा है। सभी लोग आरक्षण के लिए रास्ते पे उतर रहे हैं। मनोज चरंगे मराठवाड़ा में है, लक्ष्मण हाके है, धनगर आरक्षण है, तो ये सब मामले को देखते हुए नरेंद्र मोदी जी ने बराबर ओबीसी मुद्दे को हाथ डाला है ताकि आने वाले दिनों में काम करेगा। इसका असर क्या होगा ये समझ आएगा चुनावों के बाद। बहुत शुक्रिया आपका वैभव इस तमाम जानकारी के लिए। ABP News, आपको रखे आगे।